स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज 13.1 स्टेटमेंट है, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय की शेप है, हेमिस्फीयर बॉटम में है और बॉटम हेमिस्फीयर पर माउंटेड है, ये कॉनिकल शेप, और कॉनिकल जो कोन शेप का पार्ट है उसका रेडियस हमें दिया है 3.5, मींस की रेडियस ऑफ कोन की रेडियस 3.5 है। अगर कोन की रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 है, बट वी हैव गिवन द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले तो हाइट ऑफ कोन फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ कोन है, हाइट ऑफ कोन को लेंगे हम 15.5 से माइनस कर देंगे इतनी डिस्टेंस को, 3.5 हाइट है हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल पार्ट की विच इज़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर और ये हाइट ऑफ द कौन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो 15.5 से अगर हम 3.5 को माइनस करते हैं तो हाइट ऑफ कोन आता है 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय होगा, अगर हम कोन की बात करें तो कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा यहाँ पर पाई आर एल, और हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 2πr² होता है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो 2πr² आ जाता है यहाँ पर। बट हमें हाइट ऑफ द कोन जो है वी हैव फाइंड आउट हियर 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन आल्सो 3.5 सेंटीमीटर, बट L की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, L इज़ इक्वल टू h² प्लस r² का स्क्वायर रूट कर लेंगे, L इज़ इक्वल टू h, वी हैव हियर 12 का स्क्वायर देन रेडियस 3.5 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट है 12 का स्क्वायर होता है 144, 3.5 का स्क्वायर होगा 12.25। कैलकुलेशन करके हमें पता चल जाएगा, इसको 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 144, 12.25 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5, 6.25 का स्क्वायर रूट हो जाता है और 156.25 का स्क्वायर रूट होता है 12.5 सेंटीमीटर, अगर हम इसको स्क्वायर रूट प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया है कोन के लिए स्लांट हाइट, हम सरफेस एरिया ऑफ कोन को सेपरेट और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को सेपरेटली फाइंड करके ऐड कर सकते हैं, बट वी नो हियर दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5, रेडियस ऑफ कोन इज आल्सो 3.5, तो रेडियस दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं और एक पाई हमारा कॉमन आ जाएगा। जब हमने पाई और आर को कॉमन लिया तो पाई आर एल से सिर्फ एल बच गया, 2πr² से जब हमने पाई आर कॉमन लिया तो 2r रह जाएगा। नाउ वी विल पुट अप द वैल्यू ऑफ ईच डायमेंशन हियर, पाई की वैल्यू 22/7 लिया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज कोन दोनों 3.5 है, तो 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, एल हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 12.5, और 2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एज वेल एज कोन 3.5 है। अब सारी वैल्यू को हम कैलकुलेशन करेंगे, देयर आफ्टर हमारे पर आंसर आ जाएगा। इसको हमने कैंसिल किया 5 से हमने 10 को कैंसिल किया तो 2 से 22 को कैंसिल किया तो 11, यहाँ बचा 11, और इसको हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 11 रह जाता है, यहाँ पर 12.5, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है, 11 और 12.5 प्लस 7 को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 19.5। जब हम 11 को 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा,
इज टॉय का टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया है जिसके टॉप पर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो पहले सबसे पहले हम क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब जिसकी साइड है 7, इसके टॉप पे हमने इस तरह से एक हेमिस्फीयर को सरमाउंट करना है। इस तरह से पहले तो हमारा क्यूब सही बनना चाहिए। इस तरह से ये बन गया क्यूब और इसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर जितनी इसकी साइड है, हेमिस्फीयर को बोला कि सरमाउंट करना है। तो जो पूरा पूरा ये साइड का जो है क्यूब की, उसको हमें डायमीटर लेना है। इस तरह से हेमिस्फीयर सरमाउंट होगा और टॉप सरफेस को वो हेमिस्फीयर इस तरह से कवर करेगा। मींस कि जो हेमिस्फीयर का ओपन सरफेस है वो क्यूब के टॉप के साथ इतना टच कर रहा है। इट मींस कि ये इतना सर्कल का एरिया जो है हेमिस्फीयर और क्यूब के लिए कॉमन है। और इसकी एज हमें दी है 7 सेंटीमीटर। मींस कि इस डायमीटर ऑफ, अगर हम हेमिस्फीयर लेते हैं डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर तो वो रहेगा 7 सेंटीमीटर, और इसकी अगर हम रेडियस लेते हैं तो 7/2 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये दोनों को मिलाकर जो सॉलिड बनता है, तो सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे। टोटल सरफेस एरिया हम दोनों के सरफेस एरिया को कहा है, और हेमिस्फीयर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ये इतना, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr². टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होएगा 6l², और जो हेमिस्फीयर का इतना सरफेस एरिया और टॉप का, हमने हेमिस्फीयर जो क्यूब है इसका टॉप सरफेस हमने पूरा लेना है, तो मतलब हमारे पास टोटल सरफेस आएगा 6l² प्लस 2πr² माइनस इतना एरिया हमने माइनस कर देना सर्कल के एरिया को, ताकि हमारे पास सॉलिड, इस सॉलिड के सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाए 2πr² इज इक्वल टू πr² तो हमारे पास πr² बचता है 6। एज जो है l मीन्स कि यहाँ 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर, पाई को 22/7 लिया, और रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फीयर 7/2 वी विल राइट हियर 2 टाइम बिकॉज रेडियस की पावर 2 है। रेडियस की पावर 2 है तो आर की जो भी वैल्यू पुट अप करना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इस 2 से हमने 22 को कैंसिल किया, 6 × 49 प्लस 11 × 7 77/2। 6 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है 294, और 77 को 2 से डिवाइड किया तो 38.5। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा।